गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी डिक्शनरी के लिए बने बनाए हैं, आपको केवल उनको यूज में रहना। यू कैन यूज देम, यू कांट चेंज, यू कांट इवन क्रिएट अ न्यू फंक्शन। जो फंक्शंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पाइथन लाइब्रेरी के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, बिल्ट इन फंक्शंस। तो हमने लिस्ट के भी फंक्शंस पढ़े थे और हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी के फंक्शंस। सबसे पहला लेन, लेन का मीनिंग होता है कि जो आपके पास डिक्शनरी होगी उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल कितने की और वैल्यू पेयर्स है, उनके नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैं एक डिक्शनरी ले रहा हूँ, DICT1 इक्वल्स टू मान लीजिए मेरे पास ये एक डिक्शनरी है जिसका नाम है DICT1। उसमें पहला जो एलिमेंट है उसकी की है सोहन और उसकी वैल्यू है 36। दूसरे एलिमेंट की जो की है वो है मोहन और उसकी वैल्यू है 68। और जो थर्ड एलिमेंट है उसकी की है महेंद्र और उसकी वैल्यू है 95। डिक्शनरी हमने पढ़ा था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड डेटा एलिमेंट, जिसके अंदर किसी का भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता। आप इस पूरे को आप आगे मिला सकते हो, सोन को आप बीच में मिला सकते हो, एंड में मिला सकते हो, कहीं में मिला सकते हो, बट रहेगा ये की और वैल्यू पेयर के अंदर। हर एलिमेंट की भी होगी और वैल्यू भी होगी। अब ये एज डिक्शनरी है, अब इसी के ऊपर हम सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला है लेन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ LEN। इस डिक्शनरी का नाम क्या है, DICT1। तो यहाँ पर इसका जैसे आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट आएगा कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3। यानी कि अगर आपको किसी डिक्शनरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स काउंट करने हैं तब आप किसका लेंगे, लेन का। सेकेंड है DICT1। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, अगर आप पहले से मौजूद डिक्शनरी में से कोई नई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तब हम किस कर लेंगे, DICT फंक्शन का। जैसे DICT1 या यूँ लिख दीजिए DICT2 इक्वल्स टू DICT1.DICT। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी पहली डिक्शनरी है उसके सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे किसके अंदर, एक न्यू डिक्शनरी बना रहे हैं DICT1, उसके अंदर सारे एलिमेंट जो है वो कॉपी हो जाएंगे। फिर है कीज का मतलब होता है कि अगर आपको ये जो की है सोहन मोहन और महेंद्र, अगर ओनली इन्हीं को ही प्रिंट आउट करवाना है तब आप लिखेंगे, जैसे जो भी नाम है DICT1.keys। तो यहाँ पर जैसे आप एंटर दबाओगे तो आपके सामने इनकी आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा डिक्ट की ब्रैकेट और फिर इन सब के नाम आ जाएंगे, सोहन मोहन और महेंद्र ये लिखा हुआ है। ठीक, इसका अपोजिट ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना, फॉर फंक्शंस पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट है कीज हो गया, नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज का मीनिंग होता है जो भी की है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपको दिखानी है। जैसे वही सेम DICT1.values, तो यहाँ पर क्यों आएगा DICT वैल्यूज, फिर यहाँ पर जो भी है जैसे 36, 68, 95, ये हमारा एज आउटपुट में रहेगा।
क्लियर है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने नई डिक्शनरी बनाई थी तो इसको हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई सी टी ब्रैकेट कौन सी डिक्शनरी बनानी है, वन। तो वन के जो भी एलिमेंट है वो कॉपी हो जाएंगे, ये ओनली कीज वैल्यू दिखाएगा और ये ओनली उसकी वैल्यूज बताएगा, और कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी आउटपुट आएंगे और ये सारे वैल्यू उसके अंदर जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये तो थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लूपिंग के अंदर, कि व्हेन यू वांट टू ट्रैवर्सिंग, व्हेन यू वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी देन वी यूज आइटम्स। ये क्या काम करेगा, जो भी आपकी जो की वैल्यू पेयर है उसे एक्सेस करवाने का काम करता है, मतलब जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सबको दिखाने का काम किसका होगा, आइटम्स का होगा। भाई ये तो ओनली कीज बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है, लेकिन मुझे सारे आइटम्स दिखाने हैं तो मैं किसका करूंगा, आइटम्स का। ऐसे लिखना है सेम डी आई सी टी वन डॉट आइटम्स। जितने भी आइटम्स है सोहन मोहन और महेंद्र, ये सारे के सारे आइटम्स ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे सीधे, जैसे यहाँ कीज लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यूज आ रहा है, यहाँ पे आएगा डी आई सी टी आइटम्स, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर वापस स्मॉल ब्रैकेट में सारे प्रिंट होंगे, जैसे जो भी है सोहन 36 मोहन 68 और महेंद्र, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट वन, ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट वन और ये फंक्शन का ब्रैकेट वन। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे प्रिंट करवाने का काम किसका होगा, आइटम्स का होगा। नेक्स्ट है गेट। गेट का मीनिंग होता है कि मुझे पर्टिकुलर एक वैल्यू एक्सेस करानी है, चाहे 36 हो, चाहे 68 हो, या फिर 95, या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। तो मुझे अगर पर्टिकुलर एक वैल्यू एक्सेस करवानी है तो हम किसका लेंगे, गेट का। कैसे लिखेंगे इसे, डी आई सी टी वन डॉट गेट ब्रैकेट उस एलिमेंट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मुझे मान लो महेंद्र की वैल्यू एक्सेस करवानी है, महेंद्र, तो जैसे आप एंटर दोगे तो आपके सामने क्या आउटपुट आएगा, 95। यानी कि जब हमें किसी पर्टिकुलर की के आधार पर उसकी वैल्यू रिटर्न करवानी है देन वी विल यूज गेट फंक्शन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा डी आई सी टी वन डॉट गेट, चाहो तो आप ये लगा भी सकते हैं, चाहो तो ना भी लगा सकते हैं, बस ब्रैकेट होना चाहिए फंक्शन का। अब मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे लिखा सुरेश, क्या सुरेश की इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका आउटपुट केवल यूँ आएगा, बस ओनली एम्प्टी होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा आउटपुट, बिकॉज द सुरेश इज नॉट अ की प्रेजेंट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट। अपडेट का मीनिंग होता है कि किसी भी एलिमेंट को आप अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये डिक्शनरी वन है और एक और डिक्शनरी हम बना लेते हैं, इन फंक्शंस को हटा देता हूँ, एक और डिक्शनरी में ले लेता हूँ डी आई सी टी टू, उसमें कोई नाम ले लेते जैसे संजय 93 मान लीजिए। इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स है, अब मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है इनको मुझे कहाँ ऐड करवाना है,
डिक्शनरी वन के अंदर, मतलब डिक्शनरी वन में ऑलरेडी हमारे पास थ्री आइटम्स मौजूद है, थ्री जो की और वैल्यू पेयर्स है वो हमारे पास मौजूद है। अब उन्हें उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, डिक्शनरी टू के एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं, तो मैं कैसे ऐड करवाऊंगा, किसके अंदर कराना है, इसके अंदर कराना है, तो आप ऐसे लिखेंगे डी आई सी टी वन डॉट अपडेट, और कौन से एलिमेंट चाहिए आपको, डी आई सी टी टू के, बस। जैसे आप एंटर दोगे तो क्या होगा, जो भी ये दो एलिमेंट है संजय और विजय, ये इनके पीछे ऐड हो जाएंगे, तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा ही होगा, सोहन 36, मोहन 68, महेंद्र 95, संजय 93 और विजय 63। सारे आइटम्स आपको ऐसे डिस्प्ले होंगे इफ यू यूजिंग अपेंड। अपडेट का मतलब होता है अपेंड करना, अपेंड मीन्स जो भी हमारे पास एक डिक्शनरी है उसमें दूसरे डिक्शनरी के एलिमेंट्स को ऐड करना। एंड बेसिकली सीधी सी बात है कि जो आप नए एलिमेंट ऐड करवाओगे वो उसके एंड में ही इंसर्ट होंगे, कहीं पर भी आप बीच में इंसर्ट नहीं करवा सकते। ये होता है अपडेट का यूज। अब नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है सभी एलिमेंट्स हटाना, सभी एलिमेंट डिक्शनरी में से हटेंगे जाना, ये डी आई सी टी वन नहीं हटेगा। ये डी आई सी टी वन क्या होगा, अभी इसके बाद जैसे तीन एलिमेंट है या पांच एलिमेंट है, तो मुझे अगर मैं क्लियर लगाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डी आई सी टी वन डॉट क्लियर, इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स है, थ्री कह दो, फाइव कह दो, टेन कह दो, थाउजेंड कह दो, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। और फिर जब आप इसको प्रिंट लगाओगे डी आई सी टी वन, तो कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, केवल ऐसा बना हुआ आएगा। यानी कि इफ यू वॉन्ट टू क्लियर, इफ यू वॉन्ट टू डिलीट ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, ध्यान रखना डिक्शनरी खुद डिलीट नहीं होगी, उसके अंदर जो आइटम्स मौजूद है वो डिलीट होंगे, देन यू विल यूज क्लियर। एंड इफ यू वॉन्ट टू डिलीट होल डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी, डिक्शनरी को मेमोरी में से हटाना है, डी आई सी टी वन मौजूद ही नहीं रखना है, देन यू विल यूज डिलीट, फिर जो भी डिक्शनरी का नाम है डी आई सी टी वन एंड देन ओके। सॉरी, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को मेमोरी में से हटाना है तो आप उस एलिमेंट का नाम दो, जैसे महेंद्र, तो महेंद्र जो एलिमेंट है वो मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। और अगर आपको पूरी डिक्शनरी हटानी है, पूरी डिक्शनरी हटानी है, तो आप केवल इसको छोड़ लें, डी एल स्पेस डिक्शनरी का नाम, तो वो डिक्शनरी पूरी मेमोरी में से डिलीट हो जाएगी। अब अगर आप ट्राई करेंगे डी आई सी टी वन लिखने की, तो यहां पर एरर आएगी, बिकॉज डी आई सी टी वन इज नॉट प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में ये डिक्शनरी बनी हुई है ही नहीं, क्योंकि आप डिलीट कर चुके हैं। तो ये जो कुछ पढ़ता है ये होता है डिक्शनरी मेथड का, जो क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जो मैपिंग कैटेगरी में आता है, और इसकी जो डिफाइन होती है वो यही है कि इट इज़ अ मैपिंग डेटा टाइप विच हैव द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच विल बी इन की और वैल्यू पेयर, एवरी की एंड वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉलन एंड कंटेनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ये होता है इसका इंट्रो और इसकी सारी मेथड। अब आपकी बुक के अंदर इन्हीं फंक्शंस का एक एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एक ही प्रोग्राम में एक ही डिक्शनरी के अंदर सभी मेथड्स आपको समझाए हुए हैं, तो वो आप मैनिपुलेटिंग के अंदर देख लेना। इसके अलावा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कल मैं आपको इसकी ट्यूशन एंड आंसर बता दूंगा और ग्रुप में भी सेंड कर लूंगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी ये न्यू सिलेबस आया है उसमें, हालांकि मैं आपको इसका कल डिस्कस करूंगा इसके बारे में, उसमें जो आपका सिक्स चैप्टर है नम पाई वाला, जिसके अंदर डेटाबेस को मैनेज किया जाता है पाइथन के अंदर,
वो 6 चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट है। मैं आपको कल सारा बता दूंगा कि आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम होती है वो क्या रहेगी, कितने नंबर का थ्योरी होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कौन कौन सी यूनिट है, किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर कंटेंट हैं, और हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी में आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आएंगे। कल मेरा जो पूरा वीडियो होगा वो इसी पे ही डिस्कस्ड होगा। ये जानना है 6 चैप्टर पूरा का पूरा हट गया और बाकी चैप्टर में से कुछ कुछ पॉइंट हटाए हैं उन्होंने, जैसे जो आपका इमर्जिंग ट्रेंड है वो 5वीं यूनिट है, उसमें से आपका ब्लॉकचेन जो तुमने पढ़ा था ब्लॉकचेन वो टॉपिक हट चुका है। फर्स्ट चैप्टर है उसमें से कोई एक दो टॉपिक हटे हैं, इवेल्यूशन और कंप्यूटर सिस्टम वाले, और ऐसे ऐसे करके कुछ एक टॉपिक्स में कटे हैं, बाकी सब जगह सेम टू सेम। तो ध्यान है ना, आपका जो पाइथन है 3, 4, 5 चैप्टर, ये 30 मार्क्स के हैं। जो लास्ट दो चैप्टर्स है डेटाबेस के वो भी 30 मार्क्स के हैं, और 5 मार्क्स का पहला चैप्टर है और 5 मार्क्स का दूसरा होगा, 70 मार्क्स का टोटल होगा, और फिर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे पाइथन के, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, ये हो गए 20 मार्क्स। 5 नंबर प्रैक्टिकल फाइल के होंगे और 5 नंबर वाइवा होगा, ओरल एग्जामिनेशन होगा। तो ऐसा ही कुछ स्कीम होगी, वो हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनमें से किसी भी मेथड में, टॉपिक में, चैप्टर में अगर आपको इश्यू है, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी, आई विल सॉल्व दे। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।